सो हे गाइस, विनय दिस साइड, कैसे हैं आप लोग? तो मेरे भाई, आज हम फिर से आप लोगों के आगे आए हैं। इससे पहले की जो मेरी वीडियो थी, वो एमटीएस जो आपका सुबह सुबह हुआ था 4 मई को, ठीक है, तो उसके बारे में हमने सारा एनालिसिस दिया था। अब हम देंगे जो सेकंड शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट थी, उनके बारे में जो जो क्वेश्चंस आए थे, कैसे टिप, किस टाइप के क्वेश्चंस आए, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, तो वो एनालिसिस दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। इंग्लिश वगैरह सारा प्रीवियस ईयर था, वो कैब ये सब जो भी हमारी 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की जो वीडियोस हैं, आई थिंक 12 वीडियोस हैं, 50 रूल्स करवाए हैं मैंने उसमें, वो देख के चले जाना, आपका काम बन जाएगा सारा, ठीक है। और जीके के कुछ मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, तो जीके की चीज़ें ध्यान रखना। जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोबारा, मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, तो वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, पहला है आपसे पूछा गया आर्टिकल 43B इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, तो वो करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट है कंट्री शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया, कितनी कंट्री अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ, तो टोटल 7 कंट्री, जिसमें सबसे ज्यादा जो लैंड शेयर करती है बाउंड्री, वो है अपनी बांग्लादेश। नेक्स्ट है फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन फील्ड किसे मिला था, तो वो था साइना नेहवाल, ठीक है। फिर आपका देखो भाई, आपकी केमिस्ट्री में से ना केमिकल नेम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो चीज़ें ध्यान रखना। कल भी क्वेश्चन आया था, सुबह भी क्वेश्चन आया, और अभी ये सेकंड शिफ्ट के बता रहा हूँ उसमें भी आया, ठीक है। तो केमिकल नेम ऑफ विनेगर पूछा गया, बहुत ही आसान था, एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कलबेलिया डांस, उफ, सपेरा डांस और स्नेक चार्मर डांस कहाँ पर होता है, तो ये होता है राजस्थान में। फिर नेक्स्ट है आपका सक्सेसर ऑफ अकबर, अकबर के बाद कौन सक्सेसर आया था, तो जहांगीर आया था। आपके ऑथर बहुत आ रहे हैं, तो ऑथर आया, ये भी पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑथर ऑफ बुक मालगुडी डेज, ठीक है, तो वो है RK नारायण। नेक्स्ट है कप्स पढ़ के जाना स्पोर्ट्स में, कि जैसे हॉकी का कौन सा है, इसका कौन सा कप है, तो विलियम जोन्स कप कहाँ का है, तो बास्केटबॉल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बेसिकली कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो बास्केटबॉल स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है मैरिज वुमेन्स एज इंक्रीज फ्रॉम 18 to 21 साल हो गई है। नेक्स्ट है 36th मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इन February 2023 में 36th मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट कमेटी की, तो उसको चेयरमैन कौन था, उसका किसने चेयर करा था उसे, तो वो थे आपके होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्री विच होस्टेड द वॉस्टॉक 22 मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, तो वो आपका रशिया है। और आपको जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मिलिट्री एक्सरसाइज करके जाना, वहाँ से भी क्वेश्चन आया, जैसे यहाँ से आ गया वोस्टोक 22 मिलिट्री एक्सरसाइज, तो रशिया का था। अब मैं आपको बोलूँ कौन कौन मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी, तो आपको मालूम है इंडिया एंड यूके के बीच में होता है जो बायलेटरल एक्सरसाइज होती है मिलिट्री वाली, वो। नेक्स्ट है साइमन बाइल्स इज रिलेटेड टू, तो कौन है साइमन बाइल्स, तो वो रिलेटेड है आपके जिमनास से। मैं बहुत जल्दी चलूंगा, कोई बकवास नहीं करूंगा, शॉर्ट वीडियो रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं, मेरा टेलीग्राम लिंक नीचे है, वो ज्वाइन कर लेना, मैं प्लैनेट के बारे में सारा डाल रहा हूँ, वो पढ़ के जो पक्का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो प्लैनेट्स डू नॉट हैव मून्स, मतलब जिनकी सैटेलाइट्स ना हो, तो वो है मर्करी एंड वीनस। नेक्स्ट है कि हु एबॉलिश सती सिस्टम, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के राज में ये सब हुआ था। सेक्स रेशो जो कैलकुलेट करी जाती है, वो कितने पर मतलब बेस होता है मेल्स का, तो 1000 मेल्स पे सेक्स रेशो कैलकुलेट होती है। फिर आपका है कार्बोलिन कप किससे रिलेटेड है, टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है पद्म सुब्रमण्यम, ये जो ये थे, इनके कौन से डांस फॉर्म से, मतलब बेसिकली डांस फॉर्म पूछी गई थी इससे रिलेटेड, तो वो है भरतनाट्यम। हाँ, ये बताना चाहूँगा, मैं भी नोट कर लेता हूँ यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर हम सारा अपने के लिए लिख के लाएँ, ये जो क्वेश्चन है ये कल पेपर में आ रखा था, तो ये रिपीट हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड शिफ्ट में, तो मेरे पास 10 ही क्वेश्चन है, तो मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। थर्ड शिफ्ट में आज पूछा गया नाती डांस किससे रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश, बैटल ऑफ टैरन, पृथ्वीराज और आपके गोरी के बीच में हुई थी, मोहम्मद गोरी के, और 1191 उसमें। स्टेट हाईएस्ट पॉपुलेशन सेंसस 2011 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो करके जाना, तो वो अपना यूपी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मालिका साराभाई, पद्म भूषण इनको कब मिला था, तो ये बने थे 2010 में। फिर GVA की फुल फॉर्म पूछी गई थी, दैट इज क्रॉस वैल्यू एडिड। नेक्स्ट है वाजी महाजनपद की कैपिटल कौन थी, तो वो थी वैशाली कैपिटल है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पूछा गया, तो लॉर्ड कर्जन थे, और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 2 कौन सी रिवर पे बेस्ड है, तो ब्रह्मपुत्र पे है। ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से फ्लो है उनका इंडिया में, बेसिकली यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और असम मिलते हैं, तो यही दोनों आंसर है। नेक्स्ट है RK नारायण जी की बुक है द डार्क रूम, इसके ऊपर क्वेश्चन है। देखो अभी यहाँ पे आ रखा था मालगुडी डेज में, ठीक है ना, तो बुक से क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, बुक्स करके जाओ,
प्लैनेट्स करके जाओ, मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, केमिकल नेम करके जाइए और आप बुक्स करके जाओ, प्लैनेट्स करके जाओ, केमिकल नेम करके जाओ, सेंसस 2011 करके जाना और सारी बैटल्स करके जाओ, यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। फिर आपका है नेशनल वाटर हो गया, हाँ जिन्जो, SH जिन्जो है, पता नहीं क्या है, SHIN ZO, जिन्जो एबे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कहाँ के, तो ये थे जापान के। नेक्स्ट है पंडित किशन महाराज कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, तो ये रिलेटेड है तबला। ये सारे क्वेश्चंस आज आपके तीनों शिफ्ट के मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अभी के मैंने दो शिफ्ट के डिस्कस करे हैं, आफ्टरनून और इवनिंग की, और सुबह वाली वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बनाई दी है। अगर आपको हेल्प हो रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा, जिससे आपका अगर नहीं हो रही हो हेल्प तो वो भी कमेंट करके बता देना, या कोई कमेंट मत करना तो मैं सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दूंगा, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो मेरा भी ना हो, ठीक है ना। इंग्लिश की बात कर ली है, जीके की बात कर ली है, जीके में आपको सारा पता चल गया। बात करते हैं मैथ्स की, मैथ्स बिल्कुल हल्की है, प्रीवियस ईयर मतलब रिपीटेड है सारा। आप एरिथमेटिक पोर्शन करके जाओ तब भी अच्छा स्कोर कर लोगे, एरिथमेटिक लाइक टाइम एंड डिस्टेंस ये सब वगैरह। रीजनिंग हल्का सा बीच में कैलकुलेटिव थी, मगर वो भी बिल्कुल आसान है। जिस बच्चे के पेपर में 2-3 दिन है, वो बस प्रीवियस ईयर 1 साल का ही लगा के चले जाओ, सीजीएल का जरूर लगा के जाना, जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो सीजीएल के रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। नीचे टेलीग्राम लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना, और मेरे कम्युनिटी पोस्ट देखते रहना, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो, जिससे हमारी भी मदद हो। चलिए गाइस मैं चलता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बता देना, ठीक है। चलिए गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।